बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर महाराजबाड़ा में मतदाता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन की मौजूदगी में स्वीप के माध्यम से कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में युवा, महिला, श्रमिक, कृषक समेत अन्य मतदाताओं से संवाद किया गया है। साथ ही बुजुर्ग चौपाल का आयोजन और दिव्यांगों की ओर से मतदाता जागरूकता गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने संवाद कर सभी मतदाताओं को सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही अधिक से अधिक मतदान कर ग्वालियर को नंबर वन बनाने की सभी नागरिकों से अपील की गई है। ग्वालियर वासियों से संदेश यही है, अपील है, अनुरोध है कि 17 तारीख को जब चुनाव आएगा, चुनाव का दिन निर्धारित हो गया है, तो सभी लोग, चाहे वो हमारे युवा साथी हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी लोग मतदान के लिए आगे आएं और मतदान ज़रूर करें, क्योंकि ग्वालियर का जो वोटिंग परसेंटेज है वो राज्य की तुलना में, से यदि तुलना करो तो काफ़ी कम है। ग्वालियर का वोटिंग परसेंटेज 62% है, जबकि स्टेट का एवरेज 75% है। पास के ज़िलों को अगर हम देखते हैं, हम गुना को देख लें, शिवपुरी को देख लें, तो इनका वोटिंग परसेंटेज भी 75 के आसपास है। तो एक गैप है, बड़ा गैप है। तो अब हम सबके लिए एक चुनौती है, ग्वालियर के ज़िले के सभी लोगों के लिए, कि इस बार जब मतदान का समय आता है तो बाहर निकल के मतदान करें। नहीं करना अपने जो आपका अधिकार है उसको नहीं निभाना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी से यही अपील है, जो लोग भी सुन पा रहे हैं, कि हमें ये प्रयास करना है कि हम सभी लोग 17 नवंबर को जो मतदान की तारीख है, चाहे वो बुज़ुर्ग लोग हों, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे वो थर्ड जेंडर हों, चाहे वो युवा हों, महिला हों, हम सभी लोग घर से बाहर निकलें और मतदान करें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अनफॉर्चुनेटली ग्वालियर ज़िले का जो मतदान प्रतिशत है वो थोड़ा कम है। थोड़ा कम मतलब इसका अगर पिछले विधानसभा चुनाव का आप देखेंगे तो ये 62% है, 62, 100 में से 62 लोगों ने वोट डाला, जबकि बगल के ज़िले में आप शिवपुरी का देख लें, गुना का देख लें, तो वहाँ 100 में से करीब 75 लोगों ने वोट डाला। तो ये आंकड़ा देखने में आपको 13-14% कम लगता है, लेकिन जब ग्वालियर ज़िले की पूरी आप मतदाताओं की संख्या देखते हैं और उसमें इसको निकालते हैं तो करीब 2.5 लाख लोग ऐसे होंगे आपके ज़िले में जिन्होंने वोट नहीं डाला।